बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करता हूँ आप लोगों को अपने YouTube चैनल ट्रिक्स इज मास्टर में। सबसे पहले आप सब दोस्तों को मेरी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। दोस्तों, जो आपकी कामयाबी है ना, वो आपकी मेहनत की मोहताज होती है, ना कि बिना मेहनत के आप कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक डीमो देता हूँ। देखें, अगर मैं सलमान खान की तरह कॉपी करता हूँ, मतलब जैसे सलमान खान चलते फिरते हैं, मैं वैसे चलना फिरना शुरू कर दूँ, वैसे सलमान खान की तरह डायलॉग मारना शुरू कर दूँ, सलमान खान की तरह स्टैंड करना शुरू कर दूँ, मतलब कि उल्ट कलाम पासियाँ खाना शुरू कर दूँ, तो क्या मैं सलमान खान बन जाऊँगा? हरगिज़ नहीं बनूँगा। जब तक मैं अपना टैलेंट ना दिखाऊँ, जब तक मुझ में जो स्किल है वो मैं ना दिखाऊँ, जब तक मैं अपने तरीके से, मैं अपनी मेहनत से अगर कोई अच्छा काम उसके अलग, उसके अल्टरनेटिव कुछ ना करूँ, तब तक मैं सलमान खान नहीं बन सकता। हाँ, अलबत्ता सलमान खान जैसा बन सकता हूँ, वो भी तब जब मैं अपनी मेहनत करूँगा, अपना कुछ दुनिया को दिखाऊँगा, अपने तौर तरीके सामने लाऊँगा, तभी ही मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँगा कि यार मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। मगर अगर मैं सलमान खान की तरह कॉपी करता हूँ, सलमान खान की तरह स्टैंड करता हूँ, सलमान खान की तरह डायलॉग मारता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मैं ख़ुद को सलमान खान नहीं कर बना सकता, ना ही मैं सलमान खान की जगह ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे से पहले आया हुआ है, वो मेरे से पहले एक हीरो बन चुका है, जिस जो कि पूरी दुनिया उसे जान चुकी है, वो सारी दुनिया की नज़रों में है। मैं उसके कॉपी के कई तरह से करूं, जो मर्ज़ी करूं, मगर मैं उसकी जगह बिल्कुल भी नहीं ले सकता। ना तो मुझे बॉलीवुड वाले उठाएंगे, ना कोई इंडस्ट्री वाले मुझे उठाएंगे, क्योंकि मैं उसकी कॉपी कर रहा हूं, मैं अपना कुछ भी नहीं दिखा रहा, जैसे वो करता था मैं वैसा वैसा कर रहा हूं। तो मतलब एक सलमान खान तो पहले से उनके पास मौजूद है, दूसरे सलमान खान की उनको क्या ज़रूरत पड़ी, जब तक मैं अपनी मेहनत ना दिखाऊं। तो इसीलिए आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि खुदा के लिए ऐसा काम मत करें। मैंने आज देखा कि मेरे नाम, मेरे सेम चैनल के नाम की तरह के दो तीन चैनल बने हुए हैं। चलो, यहाँ तक तो ठीक है जी, आपको ये नाम पसंद आ गया, शायद इस वजह से आपने चैनल बना लिया। अरे भाई, चैनल तो बना लिया, लेकिन उसमें जो उन्होंने वीडियोज़ डाली वो भी सेम मेरी कॉपी, जो मैं जैसे स्टार्टिंग में वीडियो के बोलता हूँ सेम वैसे बोल रहे हैं, जैसे मैं एंड में बोलता हूँ वीडियो के सेम वैसे बोल रहे हैं, जैसे मैं स्पीड में बोलता हूँ वैसे, मतलब सेम मेरी कॉपी की हुई है। तो भाई, जितनी भी कॉपी कर लो, मैं अपना नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं सलमान खान हूँ, मैं बहुत बड़ा मतलब यूट्यूबर हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ भाई, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। देखें, आप बेशक मेरी कॉपी नहीं कर रहे, किसी भी चैनल की कॉपी करें, वो आपके किसी काम की नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो यूज़र अब ट्रिक्स मास्टर को जानता है, जो जो एक बार ट्रिक्स मास्टर की वीडियो देख चुका है, अगेन अगर वो सर्च करता है ट्रिक्स मास्टर, तो पहले पहले मेरा चैनल उनको दिखाई देगा, बाकी जो चैनल मेरे नाम के बने हुए हैं सेम मेरे नाम के, वो तो नीचे चले जाएंगे, वो इतनी नीचे यूज़र कहाँ जाएगा, जब उसको एक चैनल टॉप पर शो हो रहा है कि यार ये चैनल ही है असल, जो जो जिसको मैं ढूंढने आया हूँ, तो जाहिर सी बात है वो उसी चैनल की वीडियोस भी देखेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ना कि वो नीचे जाता जाएगा जहाँ तक आपका चैनल शो ना हो। तो ऐसी गलती ना करें, हमेशा अपना एक टैलेंट दिखाएं, अपना स्किल दुनिया तक लाएं, अपनी एक हुनर लोगों तक पहुंचाएं और मेहनत करें। देखें, जब तक आप खुद की मेहनत नहीं करेंगे, किसी की कॉपी करेंगे, किसी का भी वीडियो देख के सेम वैसे का डायलॉग मारना, वैसी मतलब स्टाइल करना, वैसी बोलना, कोई फ़ायदा नहीं होता। काफ़ी दोस्त होते हैं, यार मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो मतलब ये जैसे बोल रहा है ना, मैं इसकी तरह स्पीड में बोलूं तो शायद मेरी आवाज़ साफ हो जाए। भाई, आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसी भी आपकी आवाज़ है, किसी कैसा भी आपका चेहरा है, अल्लाह पाक ने जो चेहरा बनाया है वो अपने खुद हाथों से बनाया है अल्लाह पाक ने, चेहरे से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका चेहरा अच्छा है या बुरा। यार मैं फेस कैम नहीं करूँगा, मेरा चेहरा पता नहीं लोगों को पसंद आता है कि नहीं, आप लोगों तक हुनर पहुँचा रहे हैं अपना, आप लोगों को एंटरटेन करने आए हैं, आप लोगों को टाइम पास कर रहे हैं लोगों का, आप लोगों को खुशी दे रहे हैं, आप लोगों को हुनर दे रहे हैं, तो लोग आपके इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, ना कि आपके चेहरे को पसंद कर रहे हैं, ना कि आपकी हाइट को पसंद कर रहे हैं, ना कि आपके मतलब अपनी मेहनत जो आप करेंगे ना उसी को लोग पसंद करेंगे, लोग आपकी मेहनत के मोहताज हो जाते हैं, मतलब आपकी लोग मेहनत को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आपको नहीं करते। अगर मैं आज सिखाना छोड़ देता हूं, मैं कोई जो आप दोस्तों तक अपनी ट्रिक्स पहुंचाता हूं, लोगों को अच्छे तरीके से अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं, अगर ये मैं करना छोड़ दूँ तो अब भी मेरे यूज़र्स का मुझसे ट्रस्ट उठ जाएगा,
आज नहीं तो कल उठ जाएगा, मैं फिर उसी लेवल पे आ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी मेहनत इस तरह बरकरार रखूँगा तो अल्लाह पाक भी इसका मुझे सिला ज़रूर देगा और आप लोगों का प्यार मुझे हर हाल में मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये हमारे लिए मेहनत कर रहा है और अच्छे तरीके से ये हमें समझा रहा है। बाकी लोगों ने अगर नहीं समझाया तो ये उससे कुछ अलग सिखा रहा है, तो कोशिश करो दूसरे से अलग करने की। ये ना सोचो कि यार ये बंदा इस तरह कर रहा है, मैं भी इसी की तरह सेम मतलब टॉपिक उठा लूँ, मैं भी इसी की तरह सेम बोलना शुरू कर दूँ, इसकी तरह वीडियो एडिट करना शुरू कर दूँ, तो फिर आप किससे ज़्यादा, तो वो पहले चल रहा है जिसको लोग देख रहे हैं, तो उसको देखेंगे या आपको देखेंगे, आप खुद इसका फैसला करें। बिल्कुल वो उसी को देखेंगे जिसको पहले देख रहे हैं, आप तो सेम उसी की कॉपी कर रहे हो। बगल के काफ़ी लोग तो ये भी कहेंगे यार ये तो कॉपी मास्टर, ये तो दूसरों की कॉपी कर रहा है, इसको क्या फ़ायदा देखने की, अपना तो कुछ सिखा ही नहीं रहा हमें। तो इसीलिए मेरा ना किसी का भी कोई कॉन्टेंट उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी किस्म का स्टाइल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह पाक ने आपको स्टाइल दिया है उसी को इस्तेमाल करो, जो आपके पास हुनर है उसी को लोगों तक पहुँचाओ और मेहनत करो। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत का फल एक दिन अल्लाह पाक लाजमी देता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आज जो जिस मुकाम पर हूँ इस तक पहुँच सकता हूँ, एक ज़ीरो से शुरू होने वाला एक आम सा ट्रिक्सेस मास्टर आज अल्हम्दुलिल्लाह 87,000 इसका यूट्यूबर मेंबर्स का बन चुका है, एक फैमिली मेम्बर बन चुके हैं हमारे। तो मैंने तो ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक भी पहुंच सकता हूं। अल्लाह ने मेरा साथ दिया, मेरी मेहनत रंग लाई, मैं मेहनत करता रहा, रात दिन मैंने एक किया। शुरुआत में मैंने सोना तकरीबन छोड़ दिया था, मैं रात को भी इसी पे लगा रहता था, दिन को भी, एक अपना मैंने आदत बना ली थी, अपना शौक बना लिया था, तो जिसका मुझे सिला अल्लाह पाक ने दिया। तो अल्लाह पाक हर चीज़ का सिला लाजमी देता है। देखें अल्लाह पाक जितना रिज़क आपके नसीब में लिखा है, जिस दिन लिखा है वो उसी दिन आपको मिलना है। तो आप इस चीज़ की भी कोशिश मत करें यार मैंने आज चैनल बनाया कल मेरा मोनिटाइज हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं, 4000 घंटे पूरे हो जाएं और पैसे कमाना मैं शुरू कर दूं। देखिए जब तक आपके नसीब में जितना आपका रिजल्ट लिखा है ना उतना ही मिलेगा। जब भी आपके नसीब में ये लिखा है कि यार ये आपका इस दिन से मोनिटाइज होगा, इस तरह इस दिन आपका नसीब चल पड़ेगा, तो उस दिन आपका चलेगा। लेकिन आप हिम्मत ना हारो, मेहनत करते रहो, एक दिन इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। बाकी ये लोगों के कॉपी वगैरह ये वो करने से गुरेज करो, अपना कुछ लाओ, अपने तरीके से वीडियोस को एडिट करो, जो भी आपको आता है स्किल अपने तरीके से उसको करो। अगर आपको ठीक से नहीं आ रहा, आप देख रहे हो अपनी वीडियो आपने एडिट कर ली है और आपको लगता है कि यार ये मेरी वीडियो दूसरे से इतनी खास नहीं एडिट हुई, तो भाई फिर सीख लो थोड़ा, लेकिन थोड़ा चेंज करो। बेशक उसको सीख लो कि यार उसमें उसने इसे इसमें क्या किया है, चलो मैं इससे थोड़ा सा अलग टाइप से एडिट कर लूँ, इसने जो बोला है मैं उससे थोड़ा सा अलग तरीके से अपना बोलूँ, अपने स्टाइल से बोलूँ। इस तरह करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे, मगर अगर आप किसी की कॉपी करेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।